अब इसमें नॉन टाइपिंग वाला कौन सा पोस्ट है, यानी कि बिना टाइपिंग वाला कौन सा पोस्ट है? तो देखिए आप लोग को जो है चौथा नंबर जो है टीसी, ये आप लोग का बिना टाइपिंग वाला पोस्ट है, और उसके बाद पांचवा CCA/TC। ठीक है, जय हिंद साथियों। साथियों आप लोग को बता दे, रेलवे के द्वारा NTPCN ग्रुप डी का नया अपडेट निकाल दिया गया है। देखिए यहाँ पर एक शॉर्ट नोटिस जारी किया गया है रेलवे के द्वारा, जिसमें आप लोग का साफ साफ मेंशन कर दिया गया है कि NTPC का आप लोग का जॉब कब आएगा, और उसके साथ ही साथ ग्रुप डी का भी वैकेंसी कब आएगा, कब से आप लोग का फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट हो जाएगा, ये सारा चीज़ जो है मेंशन कर दिया गया है। और हमने इन दोनों टॉपिक पर आप लोगों को एक अच्छे से सेशन दोनों का अलग अलग जो है सारा डाटा बतलाए हुए हैं कि NTPC का आप लोग का जो है क्या क्या लगेगा क्वालिफिकेशन, और ग्रुप डी का भी क्या क्या लगेगा, सारा आप लोग को डिटेल्स हम बतलाए हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हैं, जो भी कैंडिडेट्स अभी तक नहीं देखे हैं जाकर के उसको देख सकते हैं और अपने रेलवे के प्रिपरेशन को कंटिन्यू रख सकते हैं। ठीक है, और अभी के सेशन में हम आप लोग को बतलाने वाले हैं कि ये जो रेलवे के द्वारा NTPC में वैकेंसी निकाली गई है उसमें टाइपिंग और नॉन टाइपिंग वाला पोस्ट कौन सा है। यानी कि देखिए बहुत सारे कैंडिडेट्स का यहाँ पर टेलीग्राम पर मैसेज आ रहा है कि सर हमें कोई ऐसा मतलब NTPC में वैकेंसी बतलाइए जिसमें कि हमें टाइपिंग ना देना पड़े, यानी कि विदाउट टाइपिंग पोस्ट हो और वो भी पेमेंट हमें अच्छी खासी देखने को मिल जाए। तो देखिए एक तो यहाँ पर साथियों आप लोग का बहुत ही बड़ा प्रॉफिट है कि रेलवे में जितनी भी वैकेंसी निकाली गई है सभी में आप लोग का लगभग एक ही सिलेबस देखने को मिल रहा है। देखिए रीजनिंग मैथ GA, यहाँ पर भी देखिए रीजनिंग मैथ जनरल अवेलेंस है, CBT 1 CBT 2 के लिए भी, टेक्नीशियन में भी हो गया, ALP में भी हो गया, सब में लगभग आप लोग का जो है, ग्रुप डी में भी आने वाला है उसमें भी सब में लगभग आप लोग का सिलेबस जो है एक ही देखने को मिल रहा है। अगर आप लोग बता दे साथियों, अगर आप लोग रेलवे के लिए स्पेशली प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये जो किरण पब्लिकेशन के द्वारा बुक आप लोग यहाँ पर शो हो रहा होगा, आप लोग देख रहे होंगे कि जितने भी बुक्स है ये NTPC के लिए किरण पब्लिकेशन के द्वारा एकदम इंपॉर्टेंट बुक्स निकाले गए हैं, जो कि अगर आप लोग इससे प्रिपरेशन करते हैं ना तो आप लोग का ALP भी कवर होता है, टेक्नीशियन भी कवर होता है, NTPC के साथ साथ आगे आप लोग का ग्रुप डी भी कवर होगा। यानी कि साफ साफ क्लियर आप लोग को बता दें तो जितना भी आप लोग का रेलवे में आगामी एग्जाम होने वाला है सभी एग्जाम्स के लिए आप लोग के बुक महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आप लोग इस बुक को बाय कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया ऑनलाइन के लिए, या फिर आप लोग नजदीकी स्टोर से भी बाय कर सकते हैं। अब आगे आप लोग को बता दें साथियों, इसमें NTPC में कौन कौन सा जो पोस्ट है आप लोगों के लिए विदाउट टाइपिंग पर निकाला गया है। ठीक है, तो देखिए जो भी कैंडिडेट्स अभी तक NTPC का डिटेल्स नहीं जानते हैं उनके लिए मैंने थोड़ा सा ओवरव्यू भी लिख दिया है, कल हम इस टॉपिक पर वीडियो बनाए थे बट क्या हो गया ना कि वहां पर टाइपिंग बहुत सारे कैंडिडेट्स को समझ में नहीं आ पा रहा है, तो यहां पर जो है हम आप लोग को टाइपिंग भी समझा देंगे कि यानी जिस पोस्ट में टाइपिंग लग रहा है उसमें आप लोग को किस तरह से टाइपिंग देना होगा, क्या क्या क्राइटेरिया आयोग के द्वारा रखा गया है, तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथियों देखिए सबसे पहले बता दें टोटल जो सीट है वो 5 से 10 हज़ार आप लोग का NTPC में निकालने की संभावना है। क्यों संभावना है तो साथियों आप लोग को बता दें, देखिए सभी यहाँ पर रेलवे के द्वारा जब भी कैलेंडर निकाल दिया गया, कैलेंडर निकालने के बाद साथ ही साथ सभी जितने भी वैकेंसी आ रहे हैं सभी में थोड़ा जो है कम कम सीटों पर वैकेंसी देखने को मिल रहा है। जैसे LP में भी बहुत कम सीटों पर वैकेंसी आया, टेक्नीशियन में भी आया, आगे ग्रुप डी में भी हमें जहाँ तक चांस है कम ही सीट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो देखिए पिछली बार तो 35,000 आप लोग का आया था वैकेंसी, ठीक है, टेक्नीशियन NTPC में, बट इस बार कह दे साथियों तो साफ साफ बतला दे तो 5 से 10,000 से ज़्यादा आप लोग का जो है यहाँ पर सीट नहीं निकालेगा। अप्लाई आप लोग का जून में होगा, ये नोटिफिकेशन में साफ साफ मेंशन किया गया है, हम उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, आप लोग जाकर के बात कर सकते हैं, जो भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकाला गया उस पर हम वीडियो आप लोग को बतलाए हुए हैं। फी देखिए क्या लगेंगे, तो जनरल OBC EWS के लिए 500 रुपये लगेंगे, SC ST फीमेल के लिए 250 रुपये लगेंगे, यहाँ पर 400 रुपये जो है वापस हो जाते हैं पहले एग्जाम में बैठिएगा CBT 1 में, तब उसके बाद 250 रुपये ये जो है SC ST फीमेल को 250 का 250 ही टोटल वापस हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर समझिए साथियों, देखिए NTPC में जो 12 पास के लिए पोस्ट निकाला गया है वो पोस्ट कौन कौन से है, तो 12 पास के लिए Level 2 और Level 3 का जॉब आप लोग का निकाला गया है। अब इसमें Level 2 और Level 3 को मिला करके कितने पोस्ट पर वैकेंसी है, तो टोटल 5 पोस्ट पर आप लोग को वैकेंसी देखने को मिला है, यानी कि 5 पोस्ट जो है जो 12 वालों के लिए निकाला गया। अब इसमें नॉन टाइपिंग वाला कौन सा पोस्ट है, यानी कि बिना टाइपिंग वाला कौन सा पोस्ट है, तो देखिए आप लोग को जो है चौथा नंबर जो है TC, ये आप लोग का बिना टाइपिंग वाला पोस्ट है, और उसके बाद पांचवा CCA/TC, ये जो दो पोस्ट है ये आप लोग का इसमें टाइपिंग नहीं लगने वाला है, और यही सभी कैंडिडेट्स का फर्स्ट प्रेफरेंस भी रहने वाला है, क्योंकि देखिए बहुत सारे कैंडिडेट जो है ना TC का बहुत ज़्यादा यहाँ पर जो है प्रिपरेशन करते हैं। TC कौन सा जॉब होता है आप लोग अच्छे से मालूम होगा, टिकट क्लर्क, ठीक है, यानी कि जो है आप लोग देखते होंगे स्टेशन पर जो भी टिकट चेक करते हैं ना काला कोट लगा करके भैया, तो यही आप लोग का जॉब है।
तो ठीक है, तो इसमें आप लोग का टाइपिंग नहीं लगेगा, टेंशन फ्री हो जाइए, बिना टाइपिंग का भी आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और टाइपिंग किस किस में लगेगा, तो देखिए यहाँ पर जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट में टाइपिंग लगने वाला है, ठीक है। उसके बाद अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट में टाइपिंग लगेगा, उसके बाद जूनियर टाइम कीपर में भी आप लोग का टाइपिंग लगेगा साथियों, इन दोनों में टाइपिंग नहीं लगेगा। तो आराम से जो है आप लोग 12 वाले इस फॉर्म को भर सकते हैं। और यहाँ पर कोई भी स्ट्रीम नहीं रखा है, देखिए 12 में आप लोग जो है किसी भी सब्जेक्ट से अगर आप लोग 12 किए हो तो आप लोग फॉर्म को भर सकते हैं। ऐसा नहीं कि फिजिक्स से किए तो फिजिक्स से ही भरिएगा, या फिर जो है मैथ वाले भरेंगे या फिर बायोलॉजी वाले भरेंगे, कोई भी जो है यहाँ पर फॉर्म जो है इसको भर सकते हैं। टेक्नीशियन नहीं है कि आप लोग का फिजिक्स मैथ मांगेगा, इसमें कुछ भी नहीं मांगता है, सिर्फ आप लोग का जो है 12 पास होना चाहिए, ठीक है। एज क्राइटेरिया 18 से 30 आप लोग का रखा गया है। छूट की बात करें तो ओबीसी के लिए 3 साल, SC ST के लिए 5 साल का छूट रखा गया है। अच्छा साथियों एक बात और आप लोग को बतला दे, जो भी कैंडिडेट तैयारी कर रहे हैं प्रिपरेशन कर रहे हैं, हम उनको बतला दें यहाँ पर जो है GA यानी कि जनरल अवेयरनेस आप लोग को जो है सभी में देखने को मिला है, रेलवे ALP में, रेलवे टेक्नीशियन में आप लोग का ये हो गया, NTPC ग्रुप डी हो गया, RPF हो गया, सभी में देखने को मिल रहा है। इसमें आप लोग के साथ साइंस से भी क्वेश्चन पूछेगा, तो मैंने आप लोगों के लिए साइंस के लिए स्पेशली एक PDF तैयार किया है, जिसमें कि 4000+ क्वेश्चन आप लोग को साथियों देखने को मिलेंगे। और ये ऐसे क्वेश्चन है जो कि प्रीवियस ईयर में आप लोग के आए हुए थे, और उसी पैटर्न पर आधारित आप लोगों के मैंने कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन जो है इसमें ऐड किए हैं, जो कि 4000 टोटल आप लोग के जो है यहाँ पर साइंस के, सिर्फ और सिर्फ साइंस के क्वेश्चन जो है देखने को मिलेंगे साथियों। अगर आप लोग इस PDF को पाना चाहते हैं तो आप लोग टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाइए, उसके बाद पर्सनल मैसेज करिए। आप लोग को जो है साथियों यहाँ पर 40 रुपये पे करने पड़ेंगे इस PDF के लिए, और 40 रुपये पे करने के बाद आप लोग को ये PDF दे दिया जाएगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा आप लोग के रेलवे के आगामी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। ये कोई बुक के द्वारा नहीं, ये सिर्फ ये जो PDF है ये मेरे द्वारा, यानी कि मैंने इसे खुद से जो है इसे सेलेक्ट करके इनमें क्वेश्चन जो है सेलेक्ट किए हुए हैं, यानी कि आप लोग का प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चन आया था उस पर और उसी पैटर्न पर आधारित आप लोग आगे कैसा क्वेश्चन पूछ सकता है, ये सारा क्वेश्चन साथियों निकालने में आप लोग को लगभग हमें 1 महीने लगे हुए हैं। तो 1 महीने का मेरा मेहनत है साथियों, और ये पेमेंट भी हम नहीं लेते, बट जिस टाइपिस्ट से मैंने टाइप ये जो है क्वेश्चन है PDF बनवाया है, उस टाइपिस्ट ने हमसे 3000 रुपये जो है यहाँ पर लिए हुए हैं इस PDF को बनाने के लिए। तो मान लीजिए दोस्त उसे भी तो पेमेंट करने हो ना, तो मान लीजिए आप ही लोग की तरफ से कुछ भी जो भी सहयोग मिलता है उसी सहयोग से हम भी उसको पेमेंट दे पाएंगे। तो आप लोग से हम यही निवेदन करेंगे, जो भी कैंडिडेट्स रेलवे के आगामी एग्जाम्स का प्रिपरेशन कर रहे हैं, आगे एग्जाम देने वाले हैं को रेलवे में किसी भी जॉब के लिए, तो ये PDF आप लोग का रामबाण साबित होगा। तो आप लोग इस PDF को बाय कर सकते हैं, आप लोग टेलीग्राम से जुड़ जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या फिर आप लोग कमेंट सेक्शन में अपना नंबर जो है डाल दीजिए, आप लोग से कॉन्टेक्ट कर लिया जाएगा और आप लोग को PDF दे दिया जाएगा। आगे समझिए साथियों, ये तो हो गया आप लोग का 12 का, आगे हम लोग बात करते हैं ग्रेजुएशन लेवल का। तो देखिए ग्रेजुएशन पास पोस्ट के लिए आप लोग को बता दें साथियों, लेवल 4, 5, 6 का आप लोग का जॉब निकाला गया है ग्रेजुएशन वालों के लिए, ठीक है। और इसमें लेवल 4, 5, 6 में आप लोग का जो है कौन कौन सा जो पोस्ट है जिसमें टाइपिंग मांगा जाएगा, तो सबसे पहले जिसमें नहीं मांगा जाएगा उसको देखिए। देखिए सबसे पहला ट्रैफिक असिस्टेंट, इसमें आप लोग का टाइपिंग नहीं मांगेगा, गुड्स गार्ड में टाइपिंग नहीं मांगता है, स्टेशन मास्टर में टाइपिंग नहीं मांगेगा, चौथे नंबर पर मांगेगा सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, इसमें आप लोग का जो है साथियों टाइपिंग मांगेगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, इसमें आप लोग का टाइपिंग नहीं मांगता है, सीनियर टाइम कीपर, इसमें जो है इसमें आप लोग का टाइपिंग मांगेगा, सातवें नंबर जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, इसमें आप लोग का साथियों टाइपिंग मांगता है, ध्यान रखिएगा, आठवां नंबर कमर्शियल अप्रेंटिस, ठीक है, इसमें आप लोग का टाइपिंग जो है नहीं मांगता है। तो देखिए इसमें किस किस में टाइपिंग मांगेगा, तो इधर हम सेलेक्ट कर दे रहे हैं, आप लोग देख लीजिएगा, चौथे नंबर पर मांगेगा, छठे नंबर पर मांगेगा, सातवें नंबर पर मांगेगा, इधर किस किस में मांगेगा, तो पहला, दूसरा और फिर तीसरा, इन सब में जो है आप लोग का टाइपिंग मांगेगा, और जितने भी पोस्ट है सभी में आप लोग का जो है टाइपिंग नहीं मांगने वाला है। तो आप लोग इन सब फॉर्म को जो है इजीली भर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर टाइपिंग में जिस चीज़ में टाइपिंग मांगेगा उसके लिए भी हम टाइपिंग बताएंगे कि क्या स्पीड चाहिए, आप लोग को हिंदी इंग्लिश दोनों में देने जरूरी है, क्या है सभी आप लोग को इन्फॉर्मेशन देंगे। वीडियो को तो अंत तक जरूर देखिएगा, और चैनल पर नहीं विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा मित्र, क्योंकि हम आप लोगों को लेटेस्ट जॉब का अपडेट तो बताते हैं, उसके साथ साथ ये जितने भी इंटरनल आप लोग के इन्फॉर्मेशन होते हैं ये सारे इन्फॉर्मेशन हम आप लोग के लिए निकाल करके आप लोग के सामने प्रस्तुत करते हैं साथियों। तो आप लोग से निवेदन करेंगे आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करके शेयर करना ना भूलिएगा साथियों, ठीक है।
अब यहाँ पर एज देख लीजिए, सेम एज क्राइटेरिया 18 से 30 रखा जाएगा, ओबीसी के लिए 3 साल का छूट है, सीएसटी के लिए 5 साल का छूट यहाँ पर रखा गया है, ठीक है। चलिए अब उसके बाद आप लोग को बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है। तो सिलेक्शन प्रोसेस में बता दे साथियों, सबसे पहले आप लोग का सीबीटी 1 का एग्जाम होगा, दूसरा जो है सीबीटी 2 का एग्जाम होगा, तीसरे नंबर पर टाइपिंग होगा, चौथे पर डीबी यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, पांचवें नंबर पर आप लोग का मेडिकल होता है साथियों, ठीक है। यहीं पर बात करें अगर सीबीटी 1 में आप लोग का सिलेबस क्या रहने वाला है, तो 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स और 90 मिनट का टाइम आप लोग को दिया जा रहा है, 90 मिनट का टाइम दिया जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा साथियों। निगेटिव मार्किंग इसमें रहेगा, 1/3 का निगेटिव मार्किंग देता है साथियों, ठीक है। रीजनिंग से 30 क्वेश्चन, मैथ से 30 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस, जनरल अवेयरनेस में साथियों आप लोग का साइंस से भी क्वेश्चन पूछता है, कुछ कुछ जो क्वेश्चन है आप लोग को यहाँ पर जो है करंट अफेयर से तो बहुत कम ही जोड़ेगा, ठीक है, मगर कुछ कुछ जो है कभी कदाल जोड़ देता है, तो आप लोग उस पर भी थोड़ा सा फोकस करिएगा, ठीक है। यही आप सब जो है तीन सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछने वाला है, 100 क्वेश्चन रहेंगे, 90 मिनट का टाइम सीबीटी 1 के लिए दिया जाएगा। सीबीटी 2 की अगर बात कर सकते हो तो सीबीटी 2 को आप लोग सिलेबस देख सकते हैं, यहाँ पर 120 क्वेश्चन, 120 आप लोग का मार्क्स रहेगा, 90 मिनट का टाइम, यानी कि सिर्फ आप लोग का जो है साथियों टाइम सेम रहेगा, आप लोग का जो है यहाँ पर क्वेश्चन का संख्या बढ़ा दिया गया है, 20 आप लोग को यहाँ पर जो है क्वेश्चन ज्यादा देखने को मिलेगा, नेगेटिव मार्किंग 1/3 आप लोग का रहने वाला है साथियों, ठीक है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग इसमें भी रहेगा, सेम आप लोग का जो है सिलेबस यहाँ पर जो है रहने वाला है, ठीक है। क्या तो रीजनिंग, मैथ और जीके से, ठीक है, वही आप लोग का टोटल पूछने वाला है, जनरल अवेयरनेस से, मैथ से और रीजनिंग से आप लोग का पूछेगा, 35, 35 और 50, यानी कि टोटल 120 क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद आप लोग को बता दें, जैसे ही आप लोग सीबीटी 1 को क्लियर करते हैं, सीबीटी 2 को क्लियर करते हैं, उसके बाद आप लोग को टाइपिंग होगा साथियों। टाइपिंग में अब आप लोग को क्या क्या पूछेगा, सबसे पहले आप लोग को बता दें अगर मित्र, तो देखिए टाइपिंग में अगर बात करें हम, देखिए यहाँ पर कुछ हटाने के लिए तो है नहीं, चलिए हम हाथ से ही हटा देते हैं आप लोगों के लिए। देखिए टाइपिंग में अब आप लोग का क्या क्या पूछेगा, थोड़ा सा आप लोग यहाँ पर अच्छे से समझिए। देखिए टाइपिंग में बता दें साथियों, आप लोग का जो है इंग्लिश में अगर आप लोग टाइपिंग करते हैं तो 30 वर्ड पर मिनट आप लोग का जो है टाइपिंग करना होगा। अगर यहीं पर बात करें, अगर आप लोग हिंदी में टाइपिंग करते हैं तो 25 वर्ड पर मिनट आप लोग का टाइपिंग यहां पर होगा साथियों। और देखिए यहां पर इन दोनों में से आप लोग किसी एक को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि दोनों में आप लोग को टाइपिंग देना होगा, किसी एक में भी आप लोग जो है टाइपिंग दे सकते हैं, इंग्लिश में माने तो इंग्लिश में, इंग्लिश में हिंदी में माने तो हिंदी में। एक्यूरेसी की अगर बात करें साथियों, तो 95% एक्यूरेसी आप लोग का राइट होना चाहिए, 95% एक्यूरेसी आप लोग राइट होना चाहिए। एरर जो है आप लोग का सिर्फ और सिर्फ 5% यहाँ पर जो है आयोग के द्वारा रखा गया, इससे ज़्यादा अगर आप लोग का एरर होता है तो आप लोग को जो है यहाँ पर छाट दिया जाएगा। अच्छा अगर बात करें तो कितने कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया जाता है ये भी बता दे रहे हैं। देखिए जब आप लोग एग्जाम दीजिएगा ना साथियों, तो एग्जाम मान लीजिए अगर 2000 कैंडिडेट्स ने दिए हैं तो 2000 से 8 गुना यानी कि 2×8, ठीक है, यानी कि 16,000 यहाँ पर जो है कैंडिडेट्स को सिलेक्टेड किए जाएंगे, ठीक है, 16,000 जो है यहाँ पर स्टूडेंट को लिए जाएंगे। उसके बाद टाइपिंग में जो है सभी को धीरे धीरे छाटा जाएगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद मेडिकल में छाटते छाटते आप लोग का फिर आप लोग का लास्ट में जो है 2000 बच्चों का यहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगा। 2000 सीट पर वैकेंसी नहीं निकालेगा, हम ये सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पर आप लोग को समझाएं, ठीक है, यानी कि आप लोग का 8 गुना जो है टाइपिंग के लिए कैंडिडेट यहाँ पर लेता है, ध्यान रखिएगा। जितने भी सीट पर 10,000 सीट पर अगर वैकेंसी निकाला तो 10 गुना 8 कर दीजिए, यानी कि 80,000 कैंडिडेट्स को टाइपिंग के लिए सिलेक्ट किया जाएगा। उसके बाद आप लोग का जो है टाइपिंग में बहुत सारे कैंडिडेट्स को छाटा जाता है, फिर डीबी में आप लोग का छाटा जाता है, फिर मेडिकल में आप लोग का छाट करके लास्ट में मेरिट आप लोग का निकाल दिया जाता है साथियों। चलिए तो इसके बाद भी अगर आप लोग के मन में कुछ डाउट रह जाते हैं तो आप लोग कमेंट करिएगा, आप लोग को रिप्लाई जरूर दिया जाएगा साथियों। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करके शेयर करना ना भूलिएगा, आप लोग के शेयर करने से हमें सपोर्ट मिलता है मित्र, तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करिएगा। और आशा करेंगे कि हमारे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन आप लोग के हेल्पफुल साबित होगा। तो हमारे चैनल पर नए विजिट किए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा साथियों। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोग को पीडीएफ चाहिए तो आप लोग को टेलीग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में हम दे दिए हैं, आप लोग वहाँ पर मैसेज कर सकते हैं टेलीग्राम पर आकर के, या फिर कॉमेंट सेक्शन में आप लोग अपना व्हाट्सअप नंबर को जो है डाल सकते हैं, अब उस पर आप लोग को संपर्क करके आप लोग को पीडीएफ दे दिया जाएगा, जो कि रेलवे एग्जाम के लिए रामबाण ये पीडीएफ है, ठीक है। तो चलिए साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।